तो भाई आपको मैसेज था कि आरी कैसे बदली जाती है, किस तरह से। नहीं, ये हमारी मशीन है, पहले आरी को इसमें डालना पड़ता है, यहाँ से देखो जी, फिर उधर से बदली जाती है, देखो देखो देखो, यहाँ से इधर से डाल करके और फिर ऊपर वाले व्हील में डाल के, ऊपर डाल करके व्हील में, फिर नीचे वाले व्हील में डालनी होती है, और जितनी बाहर ऊपर से होती है उतनी ही बाहर नीचे वाले व्हील में होनी चाहिए। पहले गुटके में डालनी होती आरी, ये देखो जी, पहले आरी को गुटके में डाल लो नीचे व्हील में डालने से पहले, और फिर ऊपर देख करके नीचे वाले व्हील में डालो। आप इसमें उतर करके भी नीचे डाल सकते हो, लेकिन यहाँ से काम चल जाता है। देखो जी, नीचे वाले व्हील में भी डाल दिया है, तो ये ऐसे टाइट करनी होती है। कितने टाइट करनी है ये आपको मैं बता देता हूँ कि किसी हिसाब से देखा जाता है। ज़्यादा टाइट भी मत चलानी चाहिए, क्योंकि इसमें सेंटर हो जाता है, ज़्यादा खींच के नहीं चलानी चाहिए, हल्की ढीली होनी चाहिए, ज़्यादा ढीली भी नहीं। और जिस टाइम आप आरी को टाइट करते हो तो व्हील को थोड़ा घुमा लेना चाहिए, तो ताकि आरी अपने सेंटर पे आ जाए, जैसे कि अब ये घुमा के दिखाएगा आपको। और फिर आरी को ऐसे आगे कर सकते हैं, ये देखो जी, और ट्रॉली जो है यहाँ से खुलती है, यहाँ से खुलने के बाद ऐसे इतनी लंबी ट्रॉली है, तो आप यहाँ से हमारे यहाँ से शीशम का माल भी ले सकते हो, जैसे कि शीशम की सिल्ली, छोटा बड़ा माल आपको बराबर मिलेगा, देख सकते हैं। अब माल के कम होने के कारण सिल्ली जो है पतली है थोड़ी सी, ज़्यादा मोटी वाली सिल्ली नहीं बन पाती, क्योंकि माल हल्का माल आता है, देखो जी। और इसको बैठ जाएंगे हम, इसको नट बोलते हैं ट्राली का जॉइंट, ये देखो, ये इधर से चार वायरिंग पे काम करते हैं, ये जो हमें लाइन लगा रखी है लोहे की 15 फुट लंबी होगी, यहाँ पर हमारा मिस्त्री प्लेट पर काम करता है, वो साफ माल निकालता है यहाँ पर। अगर आपको भी लकड़ी के बोर्ड पर ये पैनल लगवाना है, बहुत अच्छा रहता है ये लकड़ी के पैनल पर, लकड़ी के फुट्टों से बनाया गया है ये पैनल, उधर भी लकड़ी के है, इधर आप इसको खोल भेड़ सकते हो, ये देखो जी। तो इससे सेफ्टी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि लकड़ी में करंट नहीं लगता, और ये बिजली की कुछ अलग है, तो आप इस तरह का जो काम है लकड़ी के बोर्ड पर ही करवाएं। हमारे यहाँ सभी मशीनों पर लकड़ी के बोर्ड पर ही ये पैनल लगाए गए हैं, ये देखो जी, ये 3 फेज की लाइट के लिए कनेक्शन है, इधर से। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मिस्त्री जो है 7 फुट की फट्टी और 1.5 इंची मोटी फट्टी कैसे निकाली जाती है हमारे यहाँ पर,
बहुत ज़्यादा साफ माल निकालता है ये मिस्त्री, और ये आरी नहीं चलने लग रही है। आरी जो है धार लगानी पड़ेगी इसलिए कम चल रही है, वरना ये मिस्त्री बहुत ज़्यादा स्पीड में और बहुत साफ माल निकालता है। अगर आपको भी सिस्टम से रिलेटेड है किसी भी प्रकार की कोई बात पूछ लिया तो कमेंट में बता सकते हैं आप। हमारे यहाँ पर सिस्टम की जो गाड़ी है जल्दी ही तैयार कर देते हैं, बहुत सारी गट्टे देखो जी कर। तो आपको अगर सिस्टम का किसी भी प्रकार का माल चाहिए, आपको 1.5 फुट से लेकर के लंबा 10 फुट 11 फुट तक का लंबा माल मिल जाएगा हमारे यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं आप, ये सिस्टम के पाए हैं और इधर 2 फुटी फट्टी लगाई है जी सारी साइज के। ये देखो जी पीछे वाली जो 1.5 फुट की लेंथ है ये, इसमें 3 इंची 4 इंची 5 इंची 6 इंची 7 8 9 जितना भी लंबा हो उस हिसाब से मिल जाएगा। और ये देखो जी आगे 2 फुट का माल लगाएगा, इधर ये 2.5 फुट का माल है। ये देखो जी बिल्कुल साफ माल मिलेगा आपको किसी प्रकार की। इधर देखो जी ये 2.5 फुट माल जो है 1.5 इंच मोटा मोटाई के हिसाब से लगाएगा। ये देखो जी मोटा माल बिल्कुल साफ माल मिलेगा आपको। और हमारे पास ये लंबा फट्टा देखो जी, ये देखो जी लंबा फट्टा बहुत मिल जाएगा। कितना साफ माल मिलेगा आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो लंबा फट्टा देख रहे हैं आप 5 या 5.5 फुट 6 फुट लंबा 1.5 इंची, ये देखो जी बिल्कुल साफ माल, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है माल में। देखो ओके रिपोर्ट है किसी पर। और गोल डाट भी हमारे यहाँ पर मिल जाती है, देख सकते किस प्रकार की गोल डाट देंगे हम आपको। ये देखो जी गोल डाट लेनी हो तो आप अगर आपने, किसी भी प्रकार की लकड़ी लेनी हो बता सकते हो कितनी ही लंबी लेनी हो। तो आज मौसम बहुत बढ़िया था, देख सकते हो आज का व्यू, शाम के टाइम अच्छा होगा, बाकी दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और मशीन पर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गर्मी के टाइम में। तो देख सकते हो बाद में किस तरह से मौसम देखोगे आज का, बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच सभी का।